मैम पेपर कैसा गया आप लोगों का? सर पेपर तो अच्छा था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। मॉडरेट लेवल का। यस सर। कितना क्वेश्चन आया था टोटल? टोटल 120 क्वेश्चंस। आप लोगों ने कितना किया? हम लोगों ने अटेंड तो पूरा किया है बट कुछ माइनस मार्किंग भी था। हाँ सर, इसका मतलब आप लोगों ने काफी रिस्क भी लिया है। यस सर, लिया तो है पर जिस हिसाब से पेपर आया था उस हिसाब से हम लोगों को टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन का। ओके। यस सर। अच्छा तो कौन सा सेक्शन ज्यादा आया था, जैसे स्टैटिक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया? अलजेब्रा से भी था और कैलकुलस से भी था। यस सर, वाले सेक्शन ज्यादा आए थे। हाँ सर आए थे। कितना सेफ स्कोर माना जाता है कि इतना अगर कर लें, इतना मार्क्स आ रहा है तो चलो इधर अपना काम हो जाएगा? 70 मार्क्स या फिर 70 क्वेश्चन? अब नहीं, वो तो डिपेंड करना है कट ऑफ कितना जा रहा है और वो भी डिपेंड कर रहा है कि मिक्स करके जा रहा है, मतलब इसमें कुछ मिनिमम मार्किंग नहीं है, कितना होना चाहिए? ऐसा कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, टोटल 900 नंबर्स का पेपर होता है तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 370-380 जाए। ओके। ये पेपर वन, ये जो पेपर वन हुआ ना, तो इसमें कितना क्वेश्चन ऐड होता है, कितना नंबर का इसमें आना चाहिए? 300 नंबर का क्वेश्चन है तो 30% के हिसाब से आपका आ जाना चाहिए 9200 नंबर। अच्छा अच्छा, उतना मतलब होना चाहिए मिनिमम। हाँ, मिनिमम। उसके बाद जितना आप स्कोर कर रहे हैं वो बेटर होगा। ये डिपेंड कर रहा है कि कट ऑफ गर्ल्स और बॉयज का मिक्स जा रहा है या अलग अलग जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो अलग अलग है क्या इस बार? ये तो कुछ क्लियर नहीं है। अच्छा अच्छा, अलग अलग होगा क्योंकि हम वो लोग प्रिपरेशन ज्यादा टाइम से कर रहे हैं, हम लोग को एक महीना पहले नोटिस मिला तो उस हिसाब से तो कट ऑफ अलग ही जाना चाहिए। ओके ओके। अभी इंडियन आर्मी में जो डिफेंस फोर्सेज हैं अपनी इंडिया की, उसमें परमानेंट कमीशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यस बोला है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, तो इन लोगों ने फाइनली डिसाइड कर दिया कि देयर विल बी अ परमानेंट कमीशन। ठीक है, तो इस पे आप लोगों का क्या रिएक्शन है, कैसा होना चाहिए, कितना सही है और क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही है क्योंकि हम लोग को भी चांसेस मिल नहीं रहे थे, और चांसेस थे भी तो आप एफ कैट के थ्रू या फिर सीडीएस के थ्रू जा सकते थे, और जिसमें आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन 14 इयर्स के लिए ही मिलना था, तो लॉन्ग सर्विस कमीशन तो था नहीं, तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी